ये है रिवर इंडी। रिवर एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर ब्रांड मार्केट में लॉन्च हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो देखने में काफी ज्यादा बोल्ड लगता है। जनरली जो स्कूटर है जिनके अंदर थोड़ी सी ऐसी लाइट फील आती है वो फील नहीं, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एसयूवी भी कहा जा रहा है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। 4 किलोवाट का बैटरी पैक आपको इसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि 150 किलोमीटर की रेंज क्लेम कर रहा है। 120 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज रिवर बता रहा है। 14 इंच यहाँ पर अलॉयज आपको देखने को मिलेंगे। 220 मिलीमीटर के यहाँ पर ड्रम ब्रेक लगाए गए हैं। ब्लैक कलर के अलॉयज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, देखने में बहुत ही अच्छा है। और ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसके फ्रंट में दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे आपको ट्विन हेडलैम्प देखने को मिलेंगे और ये LED हेडलैम्प है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको ये DRL भी दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट दिखाई देता है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी स्टोरेज मिल जाती है और ये साइड से दिखने में भी बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक है। इस तरह का डिज़ाइन अभी तक शायद हमने फिलहाल नहीं देखा है। अब देखना यह है कि मार्केट इसको किस तरह से परसीव करता है, कैसे इसको एक्सेप्ट करता है। इसके अगर मैं बात करूँ तो यहाँ देखें, यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई जाती है और इसके अंदर तमाम जानकारी आती है। यहाँ पर आपको मोड्स दिखाई दे जाएंगे इसके। इसके अलावा बीच में स्पीडोमीटर है और रेंज की बात जाना पड़ा कि 120 किलोमीटर की प्रैक्टिकल रेंज है इसके अंदर। और बैटरी यहाँ पर कितनी चार्ज रखी है, ये सब चीज़ आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर राइड मोड, स्पीड और आप रेंज देख सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 USB पोर्ट ही मिलते हैं आपको। 1 USB पोर्ट इस वाले वेरियंट के अंदर यहाँ पर है। जनरली आपको 1 USB पोर्ट मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट मिला हुआ। इसके अलावा एक पोर्ट यहाँ पर भी आता है, बट वो जो ये वाला ट्रेन है इसके अंदर एक पोर्ट फिलहाल नहीं है। इसके आगे अगर हम बात करें तो सीट की बात करें, सीट देखने में काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी चौड़ी सीट यहाँ पर आपको मिल जाती है और इसके अंदर भी स्टोरेज है। इसके अलावा अंडर सीट स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिलती है, विच इज वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया स्टोरेज। अभी तक अगर आप आईस इंजन के लिए स्कूटर देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको इतनी अच्छी स्टोरेज नहीं मिलेगी। साथ साथ यहाँ पर एक लाइट भी दी गई है। ये तो बात होगी अंडर सीट स्टोरेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। पीछे देखने में स्कूटर का क्या लगता है, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी यूनिक। यहाँ पर रिवर की बैचिंग भी लगाई गई है और इधर इंडी लिखा हुआ है। ये तो खैर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्लेट लग जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों इंडिकेटर दिखाई दे देंगे और इसको अगर आपको चार्ज करना हो तो चार्ज करने के लिए आपको थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। यहाँ से आप स्कूटर को चार्ज कर सकते हैं, 5 घंटे में स्कूटर पूरा चार्ज हो जाता है। तो कैसा लगा रिवर इंडी आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए। कि आप इसको खरीदना चाहते हैं नहीं, 1,25,000 रुपये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, एक शोरूम बेंगलुरु, हाँ ये इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है। कैसा लगा कमेंट में आके जरूर बताएं।